हेलो एवरीवन गुड इवनिंग वेलकम टू एमडी क्लासेस इंग्लिश के निर्णय क्षेत्र में आपका स्वागत है इसमें हम लोग एक मॉक टेस्ट रोज डिस्कस करते हैं मंडे टू सैटरडे मतलब ये क्लास होती है रात में आठ बजे और फिर रिवाइज़ करने के लिए इसकी पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं जो कि आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी तो मिक्सड होने वाले हैं क्वेश्चन सबके आंसर करने की कोशिश करिएगा ये देखिए आप कितने आंसर कर रहे हैं कितने आपके सही हो रहे हैं कौन से पार्ट में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है ये सब आप अपने को जज करते चलिए और टेलीग्राम के लिए जो ग्रुप बताया वो ये है पी और क्विजेज दोनों यहाँ पे मिलेंगी दूसरी क्लास का भी टाइम देख लीजिए दोनों क्लासेस के टाइम क्या है गुड इवनिंग एजाज पूनम देसी जाट सतीश मनीष जयप्रकाश गुड इवनिंग मालती गुड इवनिंग एवरीवन और ये पीडीएफ और टेलीग्राम के लिए ग्रुप का नाम ये है एक बजे वो कैबलरी की क्लास होती है और ये छोटी क्लास होती है इसमें वो कैबलरी हम लोग पूरी कंप्लीट करते हैं साथ में मिक्स प्रैक्टिस के लिए आठ बजे अब फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए सीधे स्टार्ट कर लेते हैं सबके आंसर देने की कोशिश करें शी नोज मी ये एक्टिव पैसिव का सवाल है अब इसको वॉइस चेंज करना है इसका तो कैसे करेंगे गुड इवनिंग रूही देव जय श्री राम सचिन शी नोज मी शी सब्जेक्ट है मी ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट जाएगा आई एम हो जाएगा ठीक है ब्यूटी आपको भी लग रहा है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट उलट जाएगा तो मी का आई हो जाएगा फिर ये कौन सा टेंट इन प्रेजेंट इन का थर्ड फॉर्म यूज करिए तो मी का आई हो गया और थर्ड फॉर्म क्या हुई नो न्यू नोन ये तीसरी फॉर्म हो गई अब आपको लग रहा होगा कि पैसिव वॉइस में तो बाय ही आता है पैसिव वॉइस में द्वारा के लिए हम लोग बाय यूज करते हैं लेकिन आपको अभी कुछ दिन पहले भी बताया था ये हमेशा वैसे बाय लाते हैं पैसिव में लेकिन कुछ गिने चुने वर्ड्स हैं वो अपवाद हैं तो इसको अच्छे से याद रखिएगा नो के साथ बाय का यूज नहीं होता नो के साथ टू का यूज होता है आई एम नोन टू हर ये कहेंगे तो पैसिव वॉइस में नो की कोई भी फॉर्म हो मतलब कोई भी टेंस हो आपको टू लाना है द्वारा के लिए तो इस आंसर इसीलिए हुआ आई एम नोन टू हर गुड इवनिंग स्काई अमन गुड इवनिंग सेकंड क्वेश्चन अब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इजीली प्रोवोक्ड को एक वर्ड में क्या कहेंगे जो आसानी से भड़क जाए आसानी से गुस्से में आ जाए उसको क्या बोला जाएगा इरिडिसेंट है ये रैशनल है रेसिबल या इनविंसिबल कट टू चल लिखाइए जय प्रकाश टू नो के साथ होगा पैसिव में गुड इवनिंग सीमा गुड इवनिंग राधा ईजिली कोई प्रोवोक हो रहा है आसानी से भड़क रहा है अगर आसानी से गुस्से में आ जाए तो उसके लिए वर्ड होता है मतलब इरिटेट हो इरिटेट हो इरेसिबल इरिटेबल इरिटेट होने का मतलब क्या होता है गुस्सा आना झुंझलाना तो यही इसका मतलब हो गया इरिटेबल का इरेसिबल हो गया इरिडिसेंट का मतलब होता है कई अलग अलग रंगों से कोई चीज़ बनी है बहुत ब्राइट सी है खिलते हुए कलर हैं तो उसको कहते हैं ये तर्कहीन हो गया रैशनल जिसमें कोई तर्क नहीं है कोई लॉजिक नहीं है किसी की बात में तो उसको कहेंगे और इनविंसिबल का मतलब जिसको हराया नहीं जा सकता ये हम लोगों ने वो कैब वाली क्लास में भी ये वर्ड अभी किया था हाल ही में तो इनविंसिबल का मतलब बताया था जिसके खिलाफ आप विन नहीं कर सकते उस तरह याद रख लीजिए जिसके खिलाफ विन नहीं कर सकते मतलब जिसके खिलाफ जिसको आप हरा नहीं सकते अगला सवाल थर्ड अब ये है अब यहाँ ब्लैंक फिल सेटलर्स डैश अ न्यू कॉलोनी इन दी अर्ली एटीन सेंचुरी रीजन क्या है अब ये देखिए सिंगुलर के साथ क्या आता है अब आप दूसरे एक रीजन में जाइए सिंगुलर एक वचन के साथ सिंगुलर इसका यूज होता है टेंस की अगर बात करें और टेंस में है आई के साथ एम का यूज होता है जबकि आई हमेशा एक ही व्यक्ति होगा आई एक से ज्यादा तो हो नहीं सकते तो एम क्यों आया उसका रीजन क्या है तो रीजन कुछ नहीं भाषा ऐसी बन जाती है जैसे हिंदी में भी हम एक व्यक्ति के साथ वह जा रहा है लेकिन मैं जा रहा हूं। मैं के साथ क्यों लाते हैं वो और कहीं नहीं आता एक एक्स्ट्रा वर्ड क्यों बनाया लेकिन भाषा में ऐसी चीज़ें जुड़ती चली जाती हैं वो रीजन कई बार उसका नहीं होता अपवाद के रूप में होता है चलिए तो अब यहाँ पे स्टैब्लिश होगा सेटअप करना बिल्कुल सही सही रीजन आपने बताया इसका मीनिंग बताया सेटअप करना इसका होता है स्थापित करना तो बिगन क्यों नहीं हो सकता किसी चीज की शुरुआत करना बिगिन की फॉर्म्स क्या है बिगिन बिगन बिगन ये तीन फॉर्म्स हैं तो ये तो तीसरी फॉर्म हो गई तीसरी फॉर्म अकेले यूज नहीं होती है सहायक क्रिया के साथ होती है हैड के साथ एंट्रेंच का मतलब क्या होता है मोर्चाबंदी करना एंट्रेंच का मतलब हो गया एक्सटेंड मतलब फैलाना तो स्थापित की एक नई कॉलोनी थी उसको सेटअप किया स्थापित किया एस्टैब्लिश वर्ड है बिल्कुल सही शुभी फोर्थ हाँ बिल्कुल आपकी क्लासेस चल रहे हैं बिहार पुलिस के भी चल रहे हैं गुड इवनिंग अब यहाँ पे बताइए इसमें गलत हो कुछ तो सही करिए मतलब गलत तो है ही जो अंडरलाइन पार्ट है इसको कैसे सही करेंगे नो no इम्प्रूवमेंट का ऑप्शन ही नहीं दिया मिस्टर प्रमोद कुडेंट वेट टू ट्राइंग आउट हिज न्यू रेसिपी गुड इवनिंग ममता ईशा सी शुभी सी वेट टू ट्राई अच्छा बिल्कुल हो सकता है विकास पूरी तरह हो सकता है आपके उसमें सेवेंटी परसेंट सिलेबस वही है ग्रामर वोकैबलरी अराउंड ट्वेंटी फाइव थर्टी परसेंट जो थोड़ा बहुत डिफरेंट है उसकी अलग से क्लास होगी बाकी सब तो सेम ही है तो क्वेन वेट वेट के साथ क्या लाएंगे टू डू समथिंग किसी चीज के लिए वेट नहीं कर पा रहे थे तो आपको एक चीज बताई है कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये पर्पज दिखाने का भी काम करता है तो पर्पज क्या था इंतजार करने का वो ट्राई करना तो इसीलिए यहां पे वेट के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी वेट टू ट्राई आउट दिस न्यू रेसिपी आंसर हो गया गुड इवनिंग दीपक अगला सवाल आपका सी था काफी लोगों का अच्छा वेट के साथ फॉर भी वैसे तो आता है आई एम वेटिंग फॉर यू मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ लेकिन अगर वर्ब है यहां पे तो ट्राई वर्ब है ना तो अगर फॉर आप यूज कर रहे हैं तो बाद में आप वर्ब नहीं ला सकते तो फॉर वर्ब के साथ नहीं था टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वेट फॉर यू वेट फॉर हिम फिर ऐसे कहते कोई नाउन या प्रोनाउन लाते फिफ्थ है ईडीएम का मतलब बताइए पॉकेट एंड इंसल्ट पॉकेट <laughs> एंड इंसल्ट का रिबेल अगेंस्ट इंसल्ट टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट इंडियोर करना इंसल्ट इंडियोर का मतलब हो गया बर्दाश्त करना टॉलरेट करना इंसल्ट समवन समली टॉलरेट करना अच्छा गुड इवनिंग सोनू कोई बात नहीं गुड इवनिंग सुमन टॉलरेंस ईशा हाँ बिल्कुल तो इसका मतलब क्या होता है किसी ने इंसल्ट किया किसी ने अपमानित किया कुछ बोला तो आपने उसकी जैसे इंसल्ट को पकड़ के जेब में रख लिया जेब में डाल लिया मतलब उसके बारे में कुछ किया नहीं चुपचाप जेब में रख लिया तो इसका मतलब हो गया एंड्योर एक सेकेंड एंड्योर नहीं टॉलरेट इंसल्ट विदाउट प्रोटेस्ट कोई विरोध नहीं किया बस उसको बर्दाश्त कर लिया नेक्स्ट अवेट के साथ बिल्कुल सही सीमा कोई प्रपोजिशन नहीं लगता वेट फॉर इक्वल टू अवेट यह होता है अब यहां बताइएगा इसमें गलत इसमें गलती है जो अंडरलाइंट है तो इसको कैसे सही करेंगे द क्लॉक दैट वी हैव इन अ टाउन स्क्वेयर इज अग इन द होल टाउन गुड इवनिंग सक्सेस पॉइंट द बिगेस्ट क्या कहेंगे जो हमारे टाउन में है हमारे टाउन स्क्वेयर में है वो पूरे टाउन में सबसे बड़ी है बिग नहीं कहेंगे बिग कौन सी डिग्री है पहली वाली जो पॉजिटिव डिग्री होती है तो उसके साथ अ का यूज हुआ है तो गड़बड़ तो है इसमें तो सबसे बड़ी है बिगेस्ट सुपरलेटिव उसके साथ द का यूज हो क्या पूरे शहर में सबसे बड़ी सेवेंथ है रोनल्ड बिटरेड हिज बेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड इट वॉज अ बिग शॉक फॉर ऑल अब यहां पे आपको लाना है बिट्रे के लिए कौन सा मुहावरा होगा ये नया पैटर्न है ये सीजीएल में भी पूछा जा रहा है एमटीएस में भी सीएचएसएल में भी इस तरह पूछ रहे हैं इस तरह भी पूछने लगे हैं तो आपको यहाँ पे एक मीनिंग दिया है बिट्रे मतलब है धोखा देना धोखा देने के लिए इनमें से कौन सा मुहावरा होता है ये बताना है उल्टा हो गया ब्लैक शीप सुना है आपको लग रहा है कॉन्फिडेंस लग रहा है स्टैप सम्बन्ध स्टैप का मतलब होता क्या है स्टेप का अगर आपको मतलब पता है उससे आप बता देंगे स्टैप का मतलब छुरा भोंकना स्टैप इन द बैक मतलब पीठ में छुरा भोंकना तो बिट्रे का मतलब हो गया किसी को धोखा देना और स्टैप इन द बैक का मतलब भी यही हो गया किसी के पीठ में छुरा भोंकना जो कि धोखा देना होता है तो यही आंसर अच्छा रेस्ट योर लॉरेंस बाकी सब क्या है वो भी देख लीजिए बेसिक से कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना हो तो आपको ऐप पे मिलेगा ये प्रैक्टिस क्लास है और वो कैबरी आपको सारी चाहिए हो तो उसके लिए एक बजे क्लास होती है लॉरल्स का मतलब होता है तारीफ यहाँ पे लॉरल्स का मतलब तारीफ निकल रहा है तो इसका मतलब ये हो गया रेस्ट ऑन योर लॉरस या सिट ऑन योर लॉरेंस इसमें से कुछ भी हो इसका मतलब है कि तारीफ के बाद या थोड़ी सफलता मिलने के बाद इतने संतुष्ट हो जाना कि आप आगे कोशिश ही छोड़ दें आगे कोई मेहनत ना करें कि हाँ हम तो सफल हो गए उसी में सेटिस्फाइड संतुष्ट हो जाए तो वो रेस्ट ऑन योर लॉरल्स हो गया फिर ये एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग मतलब एक बुरी स्थिति में भी थोड़ी सी उम्मीद की किरण होती है थोड़ी सी उम्मीद हर बुरी स्थिति में भी दिखाई दे जाती है मिल जाती है ब्लैक शीप का मतलब क्या हुआ ब्लैक शीप मतलब किसी फैमिली में या किसी ग्रुप में कोई ऐसा व्यक्ति है जो औरों से बिल्कुल अलग है और जिसकी वजह से लोगों को शर्मिंदगी होती है मतलब कोई बुरा इंसान जिसकी वजह से सब परेशान है ये हो गया ब्लैक शीप आगे बढ़ते हैं तो ये स्टैब इन द बैक था बीट्रे के लिए धोखा देने के लिए अब यहाँ पे एरर देखिए क्या है। कॉल यू लेटर इन इवनिंग। ये गलत है तो इसको कैसे सही करें एरर फ्री सेंटेंस कौन सा होगा रे ऑफ ओ बिल्कुल। राधा ये वाली क्लास जो है आपका इसमें सेवेंटी परसेंट बिहार पुलिस का कवर हो रहा है और कुछ टॉपिक आपके अलग हैं इससे वो आपके अलग से होंगे लेकिन ये क्लास मिस ना करिए क्योंकि ये वाली चीज वही है जो आपके बिहार में आती है इज गोइंग होगा बिल्कुल या तो आप कहिए कि ये काम होगा तो ये काम होगा कैसे कहें बख्शी विल कॉल यू तुम्हें कॉल करेगा ये फ्यूचर टेंस हो गया ये वर्क की फर्स्ट विल के साथ वर्क की फर्स्ट फॉर्म आई या फिर ये काम करने वाला है तो जैसे हम कहते हैं कि ये काम होने वाला है वो तुम्हें कॉल करने वाला है तो बख्शी इज गोइंग ज एम आर के साथ गोइंग लाइए और इन्फिनेटिव का यूज करिए इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ग की फर्स्ट फॉर्म इस तरह से करिए तो इज गोइंग टू कॉल यू यही आंसर हो गया कॉल यू होता, uh, होता तब सही था विल गो टू कॉल यू है तो इसलिए गलत था नेक्स्ट है अपसेट दिल कार्ड इसका मीनिंग बताइएगा क्या होगा अपसेट दर्ट ईडीएम है ये अबाउट टू नहीं है अबाउट टू का मतलब होता है कोई काम बस होने ही वाला है अबाउट टू का भी ऐसी रूल है कोई लाइए, फिर अबाउट फिर इन तो इसका मतलब होता है कोई काम बस होने ही वाला है जस्ट अभी हो जाएगा अनसेफैक्ट्री अच्छा स्पॉइल केयरफुल plans. बिल्कुल एप्पल कार्ट है मतलब किसी ने कोई चीज बड़, चीज बड़े सजा के रखी है जैसे ठेला है वो कुछ बेच रहा है वहां पे सेब बेच रहा है बहुत ही सजा के एक के ऊपर एक रखे फिर कोई उसमें बाइक टकराती हुई चली गई कोई लात मारता चला गया तो सब उलट पुलट हो गया उसको कहते हैं मतलब केयरफुली उसको सजाया था प्लान कुछ बनाया था उसको चौपट कर दिया स्पॉइल कर दिया ये हुआ ऑफेंड का मतलब किसी को इंसल्ट करना नेक्स्ट टेंथ अब इसमें बताइए रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी है सीरीन वैक्यूम शॉपोहोलिक या ट्रिस्ट न की आपको गलत लग रही है उसका मतलब क्या है मीनिंग भी बताइए साथ में सीरीन का मतलब क्या होगा वैक्यूम आपको पता होगा गुड इवनिंग रवि एसी आ रही -E एनी ठीक -E -E, है एसी आ री एनी सीरीन होगा सिरिन का मतलब हो गया शांत सीरीन का मतलब शांत काम पीसफुल ये मतलब है वैक्यूम जहां पे कोई बिल्कुल भी एयर ना हो उसको वैक्यूम बोला जाएगा इसकी स्पेलिंग सही थी शॉपोहलिक क्या है एल्कोहलिक होता है एल्कोहलिक मतलब शराबी जो एल्कोहल बहुत ज्यादा पी एल्कोहल की लत हो शॉपोहोलिक का मतलब हो गया जिसको शॉपिंग करने की लत हो ऐसी वर्कोहलिक है मतलब उसको काम करने की लत है कि काम किए बिना नहीं रह सकता और ट्रिस्ट का हाँ सही है आपका ईशा ट्रिस्ट का मतलब क्या हो गया सीरीन का मॉलीफाई नहीं देखिए सीरीन क्या है सीरीन एजेक्टिव की तरह यूज होगा और ये जो मॉलीफाई आपने कहा मॉलीफाई वर्ब है आई एफ वाई किसी वर्ड में लगा है तो ये वर्ब हो गया आई एफ वाई या एफ वाई वर्ब की पहचान है और ये ट्रिस्ट होता है अ सीक्रेट मीटिंग सीक्रेट मीटिंग स्पेशली दोनों तरह से आता है बिटवीन लवर्स ये इसका एग्जैक्ट मतलब है लेकिन सीक्रेट मीटिंग बस आ सकता है चार अच्छा वर्ड है नेक्स्ट है इलेवन यहाँ पे वर्ड फिल करिए क्या होना चाहिए फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे ही गलत हो जाता है शुभी कोई बात नहीं यहाँ पे गलत करेंगे फिर आपको ध्यान रहेगा लेकिन ये नोटिस करिए क्यों गलत है और ये भी कर सकते हैं कि आपकी जो गलती हुई उसे नोट कर लीजिए जिससे फिर अगली बार आपको ध्यान रहे क्लास के बाद एक बार देख लीजिए क्या गलती हुई थी गिगली गिगल का मतलब फनी स्टोरीज के वजह से क्या हुआ तो फनी स्टोरीज मेड मी एंड माय ब्रदर गिडी का मतलब चक्कर आना गिडी का मतलब डिजी या चक्कर आना तो फनी स्टोरी सुन के हंसी वाली कहानियां के किसी को चक्कर नहीं आने लगेगा घासली का मतलब है भयानक हैरेबल तो फनी uh, स्टोरी सुन के हंसी आएगी यानी कि भयावह हम लोग लगने लगे ग्रिटी का मतलब होता है ब्रेव बहादुर ब्रेव हो या पक्के इरादे वाला और गिगली का मतलब गिगिल करना या हंसना हंसना जैसे कि नर्वस हो के हंसना या फिर लगातार हंसी आ रही है कंट्रोल नहीं हो रही तो वो गिगली हो गया तो हमें हंसी आई नेक्स्ट गुड इवनिंग रामशीष गिगली आंसर था ट्वेल्व मतलब स्माइल करना हंसना अब ये है इनकरेक्ट स्पेलिंग बताइए सर्टिफिकेट चैंपियन चैलेंज या चैनल नो बफर बट सोच रही कि वर्ड्स को कैसे पता करें ये हम लोग जब पूरा सिलेबस करते हैं तो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से करें कि जब इंट्रोडक्शन करते हैं जैसे पार्ट ऑफ स्पीच कर रहे हैं कि एडजेक्टिव क्या होता है एडवर्ब क्या होता है इस तरह से हम लोग करते हैं एक बार फिर ये कभी क्लास के लास्ट में ऐसे डिस्कस कर लेंगे टॉपिक में तो नहीं आता चैम्पियन की गलत है सी एच एम पी आई ओ एन चैम्पियन विनर हो गया विजेता तो ये चैंपियन की सही थी बाकी चैलेंज करना चुनौती देना सही था चैलें चैंपियन की गलत थी यहां पे आपको बताना है मीनिंग इसका सिनोनिम बताइएगा ये हिज परवर्स वर वेरी डिस्टर्बिंग सो ही डिसाइडेड टू ट्राई अ थेरेपिस्ट उसकी परवर्स थॉट्स थी उसकी वजह से उसको वो डिस्टर्बिंग थॉट्स थी मतलब बुरी थॉट्स थी उसकी वजह से वो थेरेपी कराना चाह रहा था तो परवर्स कुछ बुरा है अब इसका सिनोनिम क्या हो सकता है डीवियंट अच्छा परवर्स का मतलब हो गया जो जिस चीज़ को लोग नॉर्मल ना माने जिसको स्वीकार ना करें इस तरह का बर्ताव किसी का है कि वो नॉर्मल समाज उसको समाज जिस तरह की चीज़ों को मानता है वो उसके खिलाफ हो जाए और उसको बुरा समझे तो वो परवर्स हुआ अब इसका क्या हो जाएगा बी और सी आप कह रहे हैं नहीं कुछ बुरी सेंस थी लॉजिकल तो अच्छी सेंस हो गई डिवियेंट इसका आंसर है कन्वर्सेंट का मतलब है किसी चीज के बारे में जानकारी रखना नोइंग समथिंग जानकारी किसी चीज के बारे में आप रखते हैं तो आप कन्वर्सेंट हो गए नोइंग समथिंग डिवियंट मतलब है कि रास्ते से भटक जाना तो डिवियंट इसका वही है बुरी सेंस में है डुब्लिसटस का मतलब धोखेबाज ड्यूब का मतलब धोखा देना होता है ड्यूब का मतलब होता है चीट करना धोखा देना डुप्लीटस उसी से वर्ड बना है डुप्लीटस का मतलब हो गया जो धोखेबाज हो जो धोखा दे फोर्टीन लॉजिकल मतलब तार्किक यूनिफॉर्म का बताइए एंटोनिम इनरेलीवेंट इनफ्लेक्सिबल वेरिएबल ऑर्डरली वेरिएबल लग रहा है यूनिफॉर्म क्या है अब यूनिफॉर्म लोग स्कूल में पहनते हैं या अब यही हम लोग की यूनिफॉर्म है एम की टी शर्ट जो है तो सब टीचर्स एक सी पहने हैं तो यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा हो गया इसका उल्टा क्या हुआ जो अलग अलग हो तो अलग अलग का मतलब वेरी का मतलब होता है अलग अलग होना डिफरेंट होना वेरिएबल हो गया जो चीज़ डिफरेंट हो इरेलीवेंट का मतलब वेरिएशन बिल्कुल डिफरेंस सही का इरेलीवेंट का मतलब जो चीज़ किसी चीज से रिलेटेड ना हो प्रासंगिक ना हो फ्लेक्सिबल मतलब लचीला इनफ्लेक्सिबल जो लचीला ना हो ऑर्डरली का मतलब है सिस्टमैटिक व्यवस्थित पंद्रह अब यहां पे एरर देखिए कुछ है क्या दे अटेंड अ मीटिंग इन शिकागो दिस इवनिंग दिस वीकेंड मिस्टेक तो है अब ये न्यू पैटर्न पे है न्यू पैटर्न में नो no एरर वाला ऑप्शन भी गायब करने लगे हैं आता भी है कभी कभी गायब होता है तो अब इसमें कोई मिस्टेक मिली अटेंडेड अच्छा पक्का दे अटेंड अ मीटिंग इन शिकागो दिस वीकेंड दिस वीकेंड अगर कह रहे हैं दिस का मतलब है जो वीकेंड अभी चल रहा है तभी तो हम दिस कह रहे हैं कि इस वाले वीकेंड पे तो मतलब है कि ये चीज प्रेजेंट टेंस हो गई जब हम दिस कह रहे हैं तो मतलब ये है कि जो अभी चल रहा है जैसे हम कहेंगे दिस वीक मतलब इस हफ्ते जो भी चल रहा है तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट का अगर टाइम दिया है तो क्या आप यहाँ पे पास्ट टेंस ला सकते हैं कि पास्ट टेंस कर सकते हैं कि हम प्रेजेंट का टाइम दिया है लेकिन हम पास टेंस उसके साथ ला रहे हैं जैसे ही हैज गॉन टूडे ही हैज गॉन येस्टरडे हम कहें ये हैज गॉन येस्टरडे इस तरह से कहें तो यहाँ पे क्या गलती हो गई हम प्रेजेंट टेंस ला रहे हैं टाइम हमारा पास्ट का है इसी तरह से ही वेंट टूडे ऐसे नहीं जब अभी कोई चीज हो रही है तो फिर आपको क्या कहना होगा प्रेजेंट अगर आपको लाना है दिस वीकेंड है तो आप ये करिए हाँ सही बताया आर गोइंग बिल्कुल सही आप ये कर सकते हैं दे विल अटेंड वे अटेंट करेंगे वे अटेंड करेंगे ये हो सकता है वे अटेंड करेंगे अब इसको और कैसे कह सकते हैं दे आर गोइंग टू अटेंड कर दीजिए वे अटेंड करने जा रहे हैं इस तरह बोल दीजिए ये वही वाला रूल है जो अभी किया था फ्यूचर टेंस भी आ सकता है और गोइंग वाला भी रूल आ सकता है जो इन्फिनेटिव के साथ तो मतलब मिस्टेक हमारी इस पार्ट में थी दे अटेंड नहीं होगा दे विल अटेंड या दे आर गोइंग टू अटेंड गुड इवनिंग सुजीत बफर हो रहा है इधर से तो सही लग रहा है अभी तो मोबाइल ही पे चला रहे हैं क्योंकि अब मॉनिटर जहाँ पे आपके कमेंट्स आते थे वो उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई मोबाइल में ही देखना पड़ है कमेंट बहुत जल्दी बताया शुभी इसका क्या है कॉमिक का उल्टा कोई कॉमिक फिल्म है मतलब है कॉमेडी वाली है हंसी वाली है हसी का उल्टा क्या हो गया दुख ट्रेजिडी वाली तो ट्रेजिक इसका आंसर नेटिव अभी वो कैब में किया था नेटिव का मतलब कहीं के मूल निवासी कहीं के ओरिजिनल रहने वाले कॉस्टली का मतलब है महंगा एक्सपेंसिव सत्रह यहां पे आपको बताना है कौन सा वर्ड रिप्लेस करेंगे वन वर्ड सब्स का ये नया पैटर्न है इस तरह से इस बार अब पूछा जा रहा है The rich man, the rich man was known all throughout the country for his noble deeds, kindness and as one who makes an active effort to promote human welfare. Good evening Arun. मुश्किल नहीं है चलिए आपने आसान आपने इजीली बता दिया इसको क्योंकि यहाँ पे वन वर्ड सब्सिट्यूशन बस आप एग्जाम में फर्स्ट टाइम ऐसा सवाल देखिए तो एकदम थोड़ा सा कुछ सेकंड्स तो आपके वेस्ट उसी में हो जाए कि क्या करना है इसमें प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको वहां पे पता होगा कि ऐसा भी पूछा जा रहा है तो जो ह्यूमन वेलफेयर मतलब मानव जाति का जो भला करना चाहे तो वो क्या होता है फिल Phil का मतलब आपको बताया था था रूट वर्ड्स में किया लव एंथ्रोप का मतलब होता है ह्यूमन एंथ्रोप का मतलब ह्यूमन हो गया तो लवर ऑफ मैनकाइंड है जो इंसान का भला चाहे स्पेंड थ्रिफ्ट का मतलब क्या बताया था थ्रिफ्ट का मतलब बताया था बचत थ्रिफ्ट का मतलब बताया था सेव करना और सेविंग को भी जिस किसी ने कुछ बचत की है दूसरा व्यक्ति उसको स्पेंड कर दे उसको खर्च कर दे तो वो स्पेंड थ्रिफ्ट क्या हुआ खर्चीला फिजूल खर्च करने वाला इंसान स्कवान्डर भी वही होता है फिजूल खर्च करने वाला इंसान स्क्वांडर का मतलब भी पैसा लुटाना होता है किसी चीज को वेस्ट करना तो ये एक्स्ट्रावेगेंट वेस्टफुल हुआ खर्चीला पैसिफिस्ट का मतलब पैसिफाई मतलब शांत करना होता है पैसिफिस्ट का मतलब है जो शांति Uh, को सपोर्ट करता हो मतलब है जो वॉर के अगेंस्ट हो तो ये अगेंस्ट युद्ध है वॉर के युद्ध के खिलाफ है ये अगेंस्ट वॉर के किसी हालत में भी वॉर नहीं होनी चाहिए नेक्स्ट 18 अब यहां पे बताइए इनकरेक्ट स्पेलिंग इसमें से कौन सी है डिमोलिश बिल्डिंग स्काई स्क्रेपर सीलिंग इनके मीनिंग भी बताइएगा लवर ऑफ पीस बिल्कुल गुड इवनिंग तर्केश्वर बहुत दिन बाद आए काफी गैप के बाद डिमोलिश की लग रही है आपको चलिए डिमोलिश सही डिमोलिश का मतलब क्या हो गया ध्वस्त करना ये सही स्पेलिंग है इसकी और इसके लिए फ्रेजल वर्ब एक हो सकता है पुल डाउन ये बहुत पूछा जाता है फ्रेजल वर्ब किसी चीज को पुल डाउन कर रहे हैं मतलब ध्वस्त कर रहे हैं बिल्डिंग जैसे गिरा दी बाकी भी सही थे ये स्काई स्क्रेपर बता सकते हैं क्या है स्काई ट्रकर ये क्या स्पेलिंग बताई अपने गुड इवनिंग अर्चना पूजा गुड इवनिंग स्काई स्क्रेपर क्या चीज है वन वर्ड में आ चुका है ये सीलिंग क्या है सीलिंग मतलब छत अंदर से जो हो बाहर से देखें तो वो रूफ होता है इसीलिए सीलिंग फैन है वो छत वाला जो पंखा होता है धोखे बास गुम्बी बिल्कुल बहुत ही ऊंची इमारत स्काई तक जो पहुंचे मतलब आसमान तक जो पहुंचे ऐसी ये सोच के बनाया गया तो स्काई स्क्रेपर का मतलब है बहुत ही ऊंची बिल्डिंग वेरी टॉल बिल्डिंग बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग होती हैं, तो वो हो गई स्काई स्क्रेपर उन्नीस रेस्टिव का सिनोनिम बताइए बस ये बस फिर से अरे तर्केश्वर क्या हो गया अब एक्सीडेंट कैसे हुआ अब ठीक है अब ज्यादा तो चोट नहीं आई बच गया मतलब हल्की फुल्की या कुछ चोट आ गई सेटिस्फाइड रेस्टिव नहीं रेस्टिव का मतलब होता है इसका मीनिंग बिल्कुल अलग अलग मतलब मीनिंग गेस uh, करना थोड़ा मुश्किल है रेस्टलेस का मतलब होता है बेचैन होना रेस्टलेस मतलब बिल्कुल भी जो रेस्ट ना कर पाए आराम ना कर पाए लेस का मतलब वो चीज़ नहीं है तो जो बिल्कुल भी आराम नहीं कर पा रहा बेचैन सा है रेस्टिव का मतलब भी यही होता है बिल्कुल जो बेचैन सा हो रेस्टफुल का मतलब है रिलैक्सिंग कामिंग सुकून वाली तो रेस्टिंग और ये रेस्टफुल एक ही चीज हो गई सुकून वाली चीज़ सेटिस्फाइड होता है संतुष्ट संतुष्ट हो गया ये सेटिस्फाइड कंटेंट ट्वेंटी इसमें देखिए कोई मिस्टेक इसमें नो इम्प्रूवमेंट का भी ऑप्शन है पैर टूट गया है बाकी सब ओ हो तरकेश्वर और ख्याल रखें बच गए आप तो एक्सीडेंट में तो बहुत डर लगता है इतने एक्सीडेंट्स होते रहते हैं इमेजेस दिखाई दे जाए कहीं अच्छा इसका आइडिया नहीं है ये कब आएगा नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन किससे होता है नॉट ओनली बट ऑल्सो जो साथ में आता है वो किसको ज्वाइन करने के लिए आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन क्या है सिर्फ यही नहीं ये भी तो वो सिर्फ सक्षम ही नहीं थी वो इंटेलिजेंट भी थी दोनों चीजें थी अब नॉट ओनली बट ऑल्सो तो लाना ही है दोनों साइड में लेकिन उसके अलावा हमें क्या देखना है कि किसको ज्वाइन हम करें यहाँ पे जिस चीज के बीच में हम चॉइस दिखा रहे हैं कि सिर्फ यही नहीं थी ये भी थी उन दोनों चीज़ों के को ज्वाइन करने के लिए जब आ रहा है तो उनके जस्ट पहले आएगा इंटेलिजेंट के पहले बट ऑल्सो है तो कॉम्पिटेंट के पहले हो जाएगा नॉट ओनली तो इसका हो जाएगा शी वॉज नॉट ओनली कॉम्पिटेंट बट ऑल्सो इंटेलिजेंट तो कॉम्पिटेंट के जस्ट पहले नॉट ओनली को आना है ये आंसर हुआ आगे बढ़ते हैं ट्वेंटी वन ये तो आपका कैलाश दीपक सत्य आपका करेक्ट था विजय ट्वेंटी वन है सिनोनिम बताइएगा टॉर्पिट का क्या है गुड इवनिंग अनिशोनिम टॉर्पिट का इंसिपिड स्टूपिड इनएक्टिव या सेंसिटिव आपका भी हम तो अच्छा चश्मा नहीं लगाया तो इसलिए पता नहीं चला आपने सी ऑप्शन लग रहा है बिल्कुल टॉर्पिट का मतलब क्या होता है टॉर्पिट का मतलब इनएक्टिव जो सक्रिय ना हो जो एक्टिव ना हो तो जो चीज चल ना रही हो वो हुआ इन का मतलब बाकी सबके भी बताइए स्टूपिड तो बहुत कॉमन वर्ड है आता रहता है इन एक्टिव बिल्कुल नीरज करेक्ट गुड इवनिंग आशीष इसमें क्या है वैकेंसी खाली अच्छा यहाँ पे बताइएगा मूर्ख होगा बिल्कुल स्टूपिट का मतलब मूर्ख हो गया इंसिपिट का मतलब क्या है इंसिपिट का मतलब बेस्वाद इंसिपिट का मतलब बोरिंग भी हो सकता है और बेस्वाद भी टेस्टलेस भी है sensitive का मतलब संवेदनशील तो ये वर्ड बहुत पूछा जाता है और सेंसिटिव भी ट्वेंटी टू अब इसमें बताइए कुछ गलत हो तो करेक्ट करिए ब्लैंड डल बिल्कुल सही गुड इवनिंग विजय

देखिए अब यहाँ पे इंटरप्शन नहीं हो सकता है यहाँ पे दैट गेम सब्जेक्ट है सब्जेक्ट के बाद वर्ब आना चाहिए और इंटरप्शन क्या है वर्ड में आई ओ एन लगा है तो ये नाउन हो गया ये तो होगा नहीं फिर वॉज इंटरप्टेड हैड बीन इंटरप्टेड यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं इंटरप्ट हुआ था तो दैट गेम इंटरप्ट डैश बाय द रेंज इट रिज्यूम मतलब ज्यादा पुराना काम कौन सा है रिज्यूम तो बाद में हुआ ना रिज्यूम का मतलब फिर से चलने लगा फिर से स्टार्ट हो गया तो जो काम ज्यादा पुराना है उसमें हमें लाना होता है परफेक्ट परफेक्ट टेंस का मतलब है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाएंगे लेकिन उसके अलावा द गेम हैड बीन इंटरप्टेड होगा पैसे में होगा कि वो किसी चीज की वजह से किसी चीज के द्वारा वो काम हुआ खुद गेम ने तो ये काम नहीं किया था ना गेम ने किसी चीज में बाधा डालने का काम नहीं किया था तो गेम एक्शन को नहीं कर रहा है उस पर एक्शन हो रहा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट ये पास परफेक्ट का पैसे हुआ था रेंस के द्वारा ये काम किया गया था बाय लगा है हमें पैसे तो हो गया नेक्स्ट ट्वेंटी थ्री सिनोनिम अब इसका बताइएगा ये भी लेटेस्ट पैटर्न इस बार जो सी में सीजीएल में जिस तरह के सवाल आए उससे ये लिया है डिमांड राधर डैश राधर रिक्वेस्ट आपको रिक्वेस्ट की जगह कोई वर्ड लाना है तो क्या होगा ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट कॉम्प्रोमाइज या प्ली नहीं नहीं पास्ट इंडेफिनेट में गलत नहीं है यजनेश्वर अगर आपको ये कहना हो अगर आपको दिखाना हो कि दोनों काम लगभग साथ साथ हुए ऑलमोस्ट साथ साथ हुए इस बात पर जोर देना है तो दोनों में पास्ट इंडेफिनेट आता है लेकिन जब थोड़ा सा गैप तो दिया है ना एक घंटे बाद तो फिर हम प्रेफर उसी को करेंगे आप उसी को एग्जाम में तो बिल्कुल वही करिएगा रिज्यूम का मतलब रिज्यूम का मतलब फिर से शुरू हो जाना जैसे रुक गया हो फिर से चलने लगना तो रिक्वेस्ट का क्या मतलब हुआ प्लीज का हो जाएगा प्लीज आंसर है नहीं चल रहा क्या नहीं चल रहा बफर हो गया बफर चल तो रहा है वीडियो मोबाइल में तो दिखाई दे रहा है कॉम्प्रोमाइज मतलब समझौता करना कॉन्ट्रैक्ट का एक मतलब सिकुड़ जाना भी होता है और कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक एग्रीमेंट भी होता है नेक्स्ट संधि किसी टाइप की ट्वेंटी फोर है बीट दी एयर ईडीएम का क्या मतलब हुआ एंट्रीट बिल्कुल सही गुड इवनिंग अब ये है ग्रेट सक्सेस टेक अ रिस्क बीट समसली बहुत क्रूरता के साथ किसी को रूथलेसली मतलब क्रूरता के साथ या मेक यूजलेस एफर्ट्स रुक रुक के चल रहा है चलिए देखिए यहां पे है बीट एयर हवा को पीट रहे हैं अगर हवा को पीटने का क्या मतलब है कि बेकार हवा को पीटने से कुछ हो तो जाएगा नहीं कि हवा को चोट आ जाए तो मेक यूजलेस एफर्ट्स ये मतलब हुआ ट्वेंटी फाइव डायरेक्ट इन डायरेक्ट दे सेट टू मी वेयर इज मीटिंग यू टूमिंग नोटिफिकेशन चैनल बिल्कुल क्लास को लाइक और शेयर कर दें ये ना भूलें पढ़ाई में इतना ना खोएं के लाइक करना भूल जाएं और वो कैप क्लास भी अटेंड करिए उसका फिर रिवीजन भी करिए अच्छा सही चल रहा है तर्केश्वर बिल्कुल विजय करे सही है उसके लिए यूजफुल है दे सेट टू मी वेयर इज यू मीटिंग यू टुमोरो कौन सा गलत है उसको हटाते चलते हैं यहां पे तो वेर ही नहीं आया वेर नहीं आया तो हम पूछ रहे थे कहा मिल रहा है तो कहां वाली तो बात ही गायब हो गई फिर हमें टेंस चेंज करना है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्क पास्ट में है तो टेंस और वर्ड दोनों चीजें चेंज चीज़ करनी है टुमोरो किस में चेंज होता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे इन दोनों चीजों में होता है द फॉलोइंग डे होता तो सही हो जाता लेकिन द नहीं दिया तो इसलिए गलत है अब बी और डी में देखिए यहां पे अब सवाल कर रहे थे इस सेंटेंस में जब सवाल कर रहे थे इंट्रोगेटिव सेंटेंस था तो सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब आया था लेकिन अब हमें इंट्रोगेटिव नहीं बनाना नॉर्मल सेंटेंस एसर्टिव बनाना है जिसमें सब्जेक्ट लाते हैं फिर वर्ब लाएंगे तो इसीलिए हो जाएगा ही मी वेर ही वॉज मीटिंग ही हो गया उसके बाद में वॉज आया इसका वॉज कर दिया तो आंसर इसीलिए डी हुआ ट्वेंटी सिक्स यहां पर वन वर्ड सब्स है इसको एक वर्ड में क्या बोलेंगे हैविंग शोइंग एन इंटरेस्ट इन लर्निंग थिंग्स प्रोब इंक्विजिटिव स्पेक्यूलेटिव या स्नूप अनमोल सही है इतना भी नहीं थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए इनक्विजिटिव अच्छा जो चीजें जानना चाहे जैसे कोई बहुत ज्यादा सवाल करे नई नई चीजें जानना चाहे लर्न करना चाहे तो वो होता है जिज्ञासु जिसको जानने की जिज्ञासा हो क्यूरियस हो इनक्विजिटिव हुआ वो इनक्विजिटिव है प्रोप का मतलब क्या हो गया छानबीन करना प्रोप का मतलब छानबीन हो गया और ये वर्ब की तरह यूज होगा नाउन की तरह भी स्पेक्यूलेटिव का मतलब जो गेस कर रहा है मतलब जानकारी कुछ नहीं है ऐसा नहीं कि कुछ कहीं से इंफॉर्मेशन मिली है बस कुछ थोड़ा बहुत पता है उसके बेस पे गेस करे और स्नूप का मतलब ताक झांक करना जैसे पड़ोसी के घर में झांक रहे हैं तो वो स्नूप होता है ताक झांक करें अच्छा अब एक होता है ताक झांक के लिए तो वो स्नूप हो गया फिर एक होता है छुपके सुन रहे हैं बातें ये देखने वाली सेंस है छुपके सुनने के लिए क्या होता है उसको बताइएगा इसका क्या जवाब है वन वर्ड सब्स क्या है छुप कर किसी की बातें सुनना पहले की किसी क्लास में किया है गुड इवनिंग गणेश ड्रॉपर वेरी गुड Eavesdropper ड्रॉपर वो व्यक्ति हो गया जो छुप के बातें सुन रहा है तो ईव्स ड्रॉप का मतलब हो गया छुप के सीक्रेटली uh, किसी की बातें सुनना नेक्स्ट ईब्स ड्रॉपिंग बिल्कुल सही ट्वेंटी सेवन इसमें एरर देखें विक्रम इज द वन हु ऑलवेज फाइंड फॉल्ट फाइंड फॉल्ट विद वॉट एवर पूर्णिमा डस छुप के देखना था बिल्कुल सही शुभी ड्रॉपर हाँ अशोक करेक्ट विक्रम इज द वन हु फॉल्ट विद एक idiom होता है। लेकिन आपको यहां पर ग्रामर का सवाल पूछा गया है find fault with. किसी में कमी निकालना फॉल्ट का मतलब कोई गलती कोई कमी होता है तो किसी में कमियां निकालना गुड इवनिंग पल्लवी भी आंसर लग रहा है ऑलवेज फाइंड all... तो इसमें क्या मिस्टेक है ऑलवेज finds faults विद एक दूसरे का देख के ना जवाब दीजिए जो आपको लगे उसके बेस पे सेंटेंस सही था कोई मिस्टेक नहीं थी नो no एरर है ये तो विक्रम इज द वन का मतलब क्या हो गया विक्रम वही है वही के लिए हम द वन कहते हैं तो ये करेक्ट है हु क्यों आया क्योंकि इंसान के लिए हु का यूज होता है ये भी सही है ऑलवेज किधर आता है मेन वर्ब के पहले ये भी करेक्ट हो गया ऑलवेज फाइंड्स फाइंड फॉल्ट विद तो ईडियम होता है और ये एक इंसान के लिए आ रहा है तो फाइंड हुआ सिंगुलर है इसीलिए फाइंड कहा ये भी सही है और किसमें कमी निकालता है जो भी पूर्णिमा करती है पूर्णिमा एक इंसान है तो इसीलिए डस आया सब कुछ सही है कोई मिस्टेक नहीं ठीक अगले पे चलते हैं गुड इवनिंग अब है ट्वेंटी एट ईडीएम का मतलब बताइए मीट योर मैच ये तो मूवीज में भी बोला जाता है he has finally met his match find a life partner find an equal competitor meet an old friend coincidentally by chance kisi purane dost se milna ya find the dress you were craving for crave for ka matlab kisi cheez ko bahut zyada chahna equal competitor bilkul अपना match किसी को मिला है मतलब है कि एक ही level का है level उनका match करता है talent match करता है मतलब है कि बिल्कुल जैसे अब जिससे पूरा कंपटीशन किसी का हो सकता है इक्वल कंपटीशन हो सकता है वैसा मिला है 29 अपनी बराबरी का मिला है ब्लैंक फिल करिएगा डैश सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट नो अबाउट आर कंट्रीज हिस्ट्री स्ट्रगल कल्चर एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स स्काई आप जो एबीसीडी आप लोग आंसर करें तो एक ही लेटर कई-कई बार ना लिखियो वो गायब कर देता है YouTube वो स... Uh, समझ के कि स्पैम कर रहा है कोई ईच होगा अच्छा अब यहाँ पे थोड़ा बारीकी वाला ज्यादा ही बारीकी वाला रूल आ गया यहाँ पे दो आंसर पूरी तरह से सही हैं कौन सा बिल्कुल सही नहीं है नो तो होगा नहीं कि, कि किसी नागरिक को ये सब जानने की जरूरत नहीं है कि इंडिया का क्या इतिहास है तो उल्टी बात हो गई कि सबको जानना चाहिए तो नो तो बिल्कुल नहीं होगा एनी का मतलब कोई भी ऐसा तो नहीं है कि कोई भी नागरिक जान ले कि हर कोई ना जाने बस कोई भी जान ले कि आपको जानने की जरूरत नहीं आपका पड़ोसी जानता है तो बहुत है ऐसे तो सेंस नहीं निकलेगी अब ईच और एवरी में क्या डिफरेंस है दोनों आंसर सही हो सकते हैं लेकिन जब हमें एक चुनना है तो इनकी कुछ बारीकी आई दोनों का मतलब प्रत्येक होता है दोनों का मतलब प्रत्येक या हर एक है लेकिन कैसे समझें कि ईच यहाँ नहीं होगा क्योंकि ये जो एवरी है ये कम से कम तीन के लिए आता है कम से कम बोला है कम से कम तीन के लिए यूज हो सकता है ईच जो है ये कम से कम दो के लिए यूज हो सकता है तो जो एवरी है कम से कम तीन के लिए और ईच जो है वो कम से कम दो के लिए अब मान लीजिए अगर सिर्फ दो की बात हो रही होती जैसे ईच हैंड कहते कि दोनों हाथों में कुछ कोई चीज है तो वहां पे दो के लिए क्या लाते है? फिर आप ईच का यूज करते लेकिन अब नागरिक जब ज्यादा है नागरिक तो दो नहीं है जब ज्यादा की बात कर रहे हैं तो इस वजह से यहाँ पे बेटर हमारा एवरी हो गया क्योंकि ईच को ज्यादा अच्छा हम दो के लिए मानते हैं लेकिन यहाँ पे जब दो से ज्यादा ही है नागरिक इसीलिए यहां पे हम तीन वाली सेंस को मानेंगे मतलब ज्यादा वाली तो इसीलिए आंसर सी हुआ ये इसका रीजन है नेक्स्ट थर्टी अब इसको सही क्रम में लगाइए यहां से शुरू हुआ है और द फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप इससे शुरू हुआ लास्ट आपको नहीं पता बहुत सिंपल है ये देखिए कि आखिर में कौन सा नहीं हो सकता जिसको आप हटा दें किस पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा ये देख लीजिए हाँ विजय करेक्ट ये ग्लास मुंबई से चल रही है पी आर क्यू ईशा आपको डी लग रहा है अच्छा ऑप्शन ईच ईच एवरी दोनों में वही, वो, वो जो एक ग्रामर का ट्रेडिशनल रूल एग्जाम में जो फॉलो होता है कि जब मेल फीमेल का ना पता चले तो सिंगल तो मेल के अकॉर्डिंग करते हैं वो ही की फॉर्म चलती है तो सिटीजन के हिसाब से ही की फॉर्म आएगी देखिए अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बिल्कुल लास्ट में नहीं हो सकता ऑफ पे सेंटेंस खत्म नहीं होगा ऑफ का तो रिलेशन किसी से आगे हो रहा है तो ऑफ लास्ट में नहीं आएगा ऐसे ही द लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि आर्टिकल का संबंध किसी नाउन से होता है आर्टिकल पर सेंटेंस खत्म नहीं हो सकता तो मतलब है कि या तो पी या आर लास्ट में नहीं होगा पी तो है ही नहीं आर वाले दो ऑप्शन हटा दें अब हमें दो को बस देखना है द फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप किस चीज में डिसाइसिव स्टेप इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन मतलब फैलना ऑफ यूरोप तो यूरोप का एक्सपेंशन हो सकता है तो ये हो गया तो जैसे साम्राज्य पूरा साम्राज्यवाद इसी पे बेस्ड है तो 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 फर्स्ट एंड डिसाइसिव स्टेप आ, इन एक्सपेंशन ऑफ यूरोप ओवरसीज वाज द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द एटलांटिक ओशन तो पहली बार जब वो फैले थे आगे जब बाहर थोड़ा निकले थे तो वो कॉन्क्वेस्ट एटलांटिक ओशन की थी कॉन्क्वेस्ट का मतलब क्या होता है हराना तो सबसे पहले हराना किसी चीज पे कब्जा कर लेना तो वो एटलांटिक ओशन को एक तरह से हराया था उस पर कब्जा किया था जीत हासिल की थी तो पी के बाद आर हुआ पी आर क्यू सी आंसर हो गया इसलिए नेक्स्ट है थर्टी वन वॉइस चेंज एक्ट पैसिव का सवाल मुंबई नहीं लखनऊ में <laughs> लखनऊ में एमडी uh, क्लासेस की सारी क्लासेस चलती हैं इंग्लिश की मुंबई से चलती है दोनों होते हैं लेकिन विद आपको प्रेफर करना है एग्जाम में जो माना गया है वो विद को यूज करिएगा लखनऊ से लखनऊ से है लेकिन अभी मुंबई से मुंबई में अच्छा आनंद आपने बता दिया दुबई से भी चली है मुंबई तो ये अच्छा हाँ दुबई से भी क्लास वो कोई वीडियोस चले हैं सी ऑप्शन लग रहा देखते हैं सिगरेट स्मोकिंग causes सेंटेंस को बस फालतू में लंबा किया गया है कंफ्यूज करने के लिए बस आपको सब्जेक्ट देखना है सिगरेट स्मोकिंग की बात हो रही है ये हमारा सब्जेक्ट हो गया कॉज करती है कॉजेज हमारा वर्ब हुआ और ये कॉज करती है टू मिलियन डेथ्स तो जो डेथ्स है वो हमारा ऑब्जेक्ट है कॉजेज कौन सा टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनेट है इसका पैसिव होगा इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अब जिसमें ये नहीं आ रहा उसको हटा दे तो अब देखिए हैज कॉस्ट हैज कैसे आ सकता है जब वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट था तो ये गलत हो गया फिर पैसे वॉइस में ऐसा होता ही नहीं है सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आए वो सिर्फ मेन वर्ब आए हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए हेल्पिंग वर्ब या नहीं है ये गलत हो गया आर कॉस्ड होगा या आर कॉज पैसे वॉइस में हमेशा तीसरी फॉर्म भी होती है तो पैसेव में हमेशा तीसरी फॉर्म होगी पैसेव में हमेशा कोई हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसकी वजह से तो ये दो ऑप्शन सीधे रॉन्ग हो गए डी भी गलत है और बी भी गलत था आंसर सी हो गया इसलिए ठीक आगे बढ़े थर्टी टू अब ये है इसमें आपको गलती बतानी है कैसे सही करें मैनी man हैव रियलाइज दैट रियल हैप्पीनेस लाइज इन मेकिंग sacrifices हैज रियलाइज हैज रियलाइज हैज रियलाइजिंग या कोई मिस्टेक नहीं है प्रेफर के साथ आपको टू लाना है दस दस एग्जाम है टेंथ को बेस्ट कहाँ गए थे बीजा अच्छा वीजा बनता है हाँ हाँ बिल्कुल बनता है वीजा तो बनता है तो आंसर में दिया था नहीं नहीं प्रेफर के साथ आप टू लाइएगा अब सेंटेंस में आगे अब ये कहीं हो कि प्रेफर से टू का जो प्रेपोजिशन है उसका संबंध ही नहीं था आपको बस प्रेफर आपने देखा आगे सेंटेंस में किसी और ही चीज से रिलेशन था तो अब वो बात सेंटेंस एग्जैक्ट दिखाइएगा लेकिन प्रेफर के हिसाब से अगर लाना है तो वो तो टू ही आएगा आएगा मैनी के साथ क्या रूल है मैनी के साथ आप लाइए प्लूरल नाउन प्लस फ्लूरल वर्ब दोनों चीजें प्लूरल कर दीजिए मैनी के साथ या फिर इसका स्पेशल यूज है कि मैनी के बाद अ लगाएं तो फिर दोनों चीजें सिंगुलर हो जाएंगी सिंगुलर नाउन प्लस सिंगुलर वर्ड तो इसके हिसाब से मैनी मैन तक तो कोई गलती नहीं है ना मैनी मैन तक सही है सेंटेंस तो हैज कर देंगे हैज रियलाइज होगा तीसरी फॉर्म हैज के बाद थर्टी थ्री ये है इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में करिए ऑल द बेस्ट प्रिया आपके एग्जाम हो जाए फिर बताइएगा कि आप कैसा हुआ कौन सी वो क्या आई दस को ही दीपक, आपको भी ऑल द बेस्ट अच्छा प्रेफर्ड चॉइस यहाँ पे शुभी यहाँ तो फॉर ही सही है यहाँ पे फॉर का मतलब क्या निकल रहा है कस्टमर्स के लिए प्रेफर यहाँ पे कैसे यूज हो रहा है तो एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है ना जो चॉइस प्रेफर की जाती है देखिए चॉइस से संबंध है इसका तो तो अब यहां पर सी ऑप्शन लग रहा है ही आज मी वेदर आई वॉज गोइंग देयर और नॉट तो ही सेट टू मी वाई नहीं आएगा यहां तो वाई कहीं नहीं था यहां तो हा या ना वाला सवाल कर रहे थे तो वाई वाला ऑप्शन गलत हो गया फिर जब यहाँ पास टेंस है तो पहले ये प्रेजेंट रहा होगा तो प्रेजेंट रहा होगा तो, तो कौन सा हटा सकते हैं प्रेजेंट तो सारे ही हैं अच्छा ये वेदर कब आता है ये तो इनडायरेक्ट स्पीच में आता है डायरेक्ट स्पीच में हमें नहीं लाना वेदर लाते हैं इनडायरेक्ट में ज्वाइन करने के लिए यदि वाली सेंस के लिए तो यह होगा आर यू वर्किंग हियर और और नॉट ये क्या है ही सेट टू मी या ही मी प्रेफरेंस फॉर होता है अच्छा सी ऑप्शन देखिए अब दो चीज ये सेंटेंस वैसे दोनों सही है यह भी ऑप्शन इसीलिए दिए थे क्योंकि आपको पता चले कि सी भी सही है डी भी सही है लेकिन जो आप लोग आंसर कर रहे हैं वही आपको यहाँ पे ज्यादा अच्छा मानना है क्योंकि ये जो सेट टू मी है डायरेक्ट स्पीच में हम लोग सेट टू सेट टू ऐसे यूज करते हैं जब हम इनडायरेक्ट में करेंगे तब हम आस्क में चेंज करते हैं इस तरह से किया जाता है नाइनटी नाइन परसेंट तो सवाल ऐसे ही आते हैं लेकिन हाँ आस्क को आप इस तरह यूज कर सकते थे मान लीजिए सी ऑप्शन ना होता तो इस पर डबल टिक लगा लेते हैं ये तो सही है ही लेकिन ये भी फिर सही हो जाता मजबूरी में ये भी सही है क्योंकि पूछा जा रहा है और फिर उसके बाद तो सब कुछ है ही सही नेक्स्ट है थर्टी फोर ये ईडीएम का मतलब बताइएगा ओहो आपके लाइन से एग्जाम लगे हुए हैं हिंदी <laughs> में सबका एक है देखिए चिल्ड्रेन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड ढाई बजे है आपका सबके अब आप यहीं पे एग्जाम बस आ ही गए चिल्ड्रेन शुड बी सीन एंड नॉट heard. यहाँ पे आपको idiom का मतलब बताना है चिल्ड्रेन शुड बी सीन मतलब है कि बच्चे दिखाई देते रहें बस सुना ही ना दे तो ये भी किसी बड़े स्ट्रिक्ट टाइप के सख्त टाइप के आदमी ने बनाया होगा ये ईडीएम इसका मतलब है कि बच्चे सुना ही ना दें बस दिखाई दें नज़रों के सामने तो रहें शुड नाट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट मतलब है जब बड़े मौजूद हैं तो उनका लिहाज करें उनको रिस्पेक्ट दें कि बस बैठे हुए तो हैं लेकिन कुछ बोल नहीं रहे तो ये उनको बोले ना बस चुपचाप बैठे रहे सामने तो आंसर सी हो गया ये मुहावरा मतलब ये सेंग कहावत जैसी है अब यहां से सेंटेंस शुरू हुआ है इस पे ख़त्म हुआ ये ओल्ड पैटर्न था लेकिन दोबारा ओल्ड पैटर्न अब पूछा गया है इस बार तो ये पुराना काफी पहले इस तरह पूछा जाता था कि ये फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया है अब उसी तरह से अब पूछे हैं तो महात्मा गांधी वॉज राइट के बाद क्या आएगा महात्मा गांधी वॉज राइट सही थे वो सी ऑप्शन लग रहा है अच्छा ये थोड़ी टाइम टेकिंग सवाल होता है लेकिन आप लोगों ने जल्दी बताया ही होगा अशोक पवन चलिए ठीक है देखते हैं एक जैसे है एक जैसे इसमें क्या है चलिए देखिए महात्मा गांधी वॉज राइट महात्मा गांधी सही थे अब अगर आप ये किसी हिंदी में ही किसी से बात बोल रहे हैं वो सही थे तो लॉजिक यही है कोई पूछेगा कब सही थे किस बात पे सही थे यही तो आपको आगे बताना होगा तो आगे होगा वेन ही सेट दैट जब उन्होंने कहा था कि तो जब उन्होंने कहा था मतलब सबसे पहले लग रहा है कि आर होना चाहिए जो आप लोग सी बता रहे हैं इसको ही चेक कर लेते हैं जब उन्होंने कहा था कि द मैन्युफैक्चर एंड सेल किस चीज का मैन्युफैक्चर एंड सेल जब हम द लगा रहे हैं तो मतलब हम विशेष कहना चाह रहे हैं तो हम बताएंगे कि किस चीज़ का मैन्युफैक्चर और सेल तो मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ एल्कोहल एक्सेप्ट एज मेडिसिन शुड बी absolutely forbidden. तो महात्मा गांधी सही थे जब उन्होंने कहा था कि जो ये अल्कोहल है जो शराब है इसको बिल्कुल ही पूरी तरह से बंद हो जाना चाहिए बस एक चीज के लिए वो उसको वो बनना चाहिए वो है सिर्फ मेडिसिन के लिए दवा में जो अल्कोहल मिला होता है वो जो वो बेसिक रिक्वायरमेंट जरूरी है उसके लिए तो हो वैसे शराब पूरी तरह बंद हो तो यही सही हो गया नेक्स्ट है अच्छा उसका बोला था गब्बर ओके अब ये है क्लोज टेस्ट आया बहुत ही छोटा सा क्लोज टेस्ट और अब इसमें आंसर करिए एक एक को हम लोग फिल करेंगे ट्रूथ इज इंपॉर्टेंट ओनली दोज हु इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रूथ डैश इन लाइफ ओनली दोज हु प्रैक्टिस द इंपॉर्टेंस रियलाइज प्रैक्टिस या कंसिडर्ड अच्छा गब्बर हो आपका पीछे यहां इसलिए चल रहा है हाँ सोनू बैंक में तो वही आता है टाइप के मुश्किल बैंक की रीजनिंग है रियलाइज होगा अच्छा शोक ईशा देखिए यहाँ पे कौन सा नहीं होगा ये हम लोग कर लेते हैं प्रेजेंट टेंस में ये है ट्रूथ इज इम्पोर्टेंट हम लोग एक जनरल सेंस में बात कर रहे हैं कि सच एक इम्पॉर्टेंट चीज है तो प्रेजेंट में ही आगे कभी लाइए तो कंसिडर्ड नहीं होगा ये तो पास्ट टेंस में चला गया गलत हो गया अब हमें लाना है दोज डैश जो ये काम करते हैं जैसे दोज हु प्ले दोज हु सिंग आप ये कहिए दोज हु स्टडी तो हु के बाद हम क्या लाएंगे वर्ब अब प्रैक्टिस और ये प्रैक्टिस इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये जो एस वाला प्रैक्टिस है ये वर्ब है और ये जो सी वाला प्रैक्टिस है ये नाउन है तो नाउन वाला तो हम हटा दें हमें तो वर्ब चाहिए था अब दो बचे तो जो दोज हु प्रैक्टिस द इम्पोर्टेंस या दोज हु रियलाइज रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना तो इसका एहसास ही हो सकता है अभ्यास इंपॉर्टेंस का अभ्यास तो नहीं हो सकता तो इंपॉर्टेंस का एहसास हो सकता है तो सच बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिनको ये इस इंपॉर्टेंस का पता चल एहसास हो जाता है डैश इन लाइफ अब वो लोग क्या करते हैं सक्सेस इन लाइफ करते हैं सक्सेसफुल इन लाइफ सक्सीड इन लाइफ या सक्सेसफुली आप ये देखिए आपको यहाँ पे कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच भरनी है वर्ब एडवर्ब नाउन क्या लाना है उसके बेस पे डिसाइड करिए बी ऑप्शन सक्सीड अच्छा आप एक दूसरा सेंटेंस देखिए ओनली दोज हु स्टडी पास ओनली दोज स्टडी पास मतलब है सिर्फ वही जो पढ़ते हैं पास होते हैं तो ओनली दोज स्टडी जैसे ओनली दोज हु यहां पे क्या था ओनली दोज रियलाइज ट्रूथ डैश इन लाइफ मतलब जैसे हम पास ला रहे हैं तो उसी टाइप का हमें कुछ वहां लाना है पास क्या है वर्ग है वर्ब हमें लाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो लोग पढ़ते हैं वही पास होते हैं वर्ब हमें लाना जो एहसास करते हैं वही ये काम करते हैं तो एक काम हमें लाना है वर्ब अब वर्ब कौन सा है इसमें सक्सेस सफलता होता है ये नाउन हो गया सक्सेसफुल कह रहे हैं एफ यू एल लगा है तो ये तो एडजेक्टिव हो गया गलत है सक्सेसफुली कह रहे हैं एल वाई लगा है तो ये एडवर्ब हो गया ये भी गलत हो गया सक्सीड हो गया सक्सीड एक वर्ब है इसका मतलब है सफल होना इस तरह आप देखिए आपको भरना क्या है बिलीविंग वॉट इज नॉट ट्रू इज डैश स्पॉइल पीपल्स प्लान एंड पे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं दो ऑप्शन में हाँ शोक आपका सही था ईशा करेक्ट लाइकली अच्छा एपट ऑफ तो दिया ही नहीं है ईशा एप टॉफ नहीं लाइकली आपको लग रहा है लाइकली तो बहुत uh, use, तो ही कॉमन यूज है इसका तो वही आपको समझना आ रहा होगा लेकिन लाइकली के साथ आपने ये नहीं सुना लाइकली के साथ मतलब है किसी चीज की संभावना होना पॉसिबिलिटी होना लाइकली के साथ आपने देखना देखा होगा ही इज लाइकली टू गो लाइकली के साथ तो टू का यूज होता है तो लाइकली के साथ टू आता है यहाँ पे तो देखिए टू कहाँ दिया हुआ है यहाँ पे है बिलीविंग वॉट इज नॉट ट्रू इज डेट स्पॉइल सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है लाइकली यूज करेंगे तो टू भी लाना पड़ेगा मतलब इज लाइकली टू स्पॉइल मतलब चांस है कि उससे स्पॉइल हो लाइकली मतलब नहीं आ सकता ये चीज गलत हो गई अब आ, आगे देखिए श्योर ऑफ श्योर ऑफ जब कह रहे हैं तो ऑफ है प्रेपोजिशन ऑफ प्रेपोजिशन है Preposition के बाद क्या आता है आईएनजी फॉर्म आएगी वर्ब अगर कुछ लाना है तो मतलब वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म या कौन सी फॉर्म लाए तो आईएनजी फॉर्म लाएंगे मतलब फॉर्म लाएंगे तो श्योर ऑफ स्पॉइलिंग ये हो जाता है श्योर ऑफ पासिंग श्योर ऑफ गोइंग ये होगा तो इसलिए वहां तो स्पॉइल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ये भी गलत हुआ अब एप्ट का मतलब एक होता है उचित एप्ट का मतलब अप्रोप्रिएट उचित होता है और एप्ट टू का मतलब होता है लाइकली टू एप टू का मतलब वही है जो लाइकली टू का है तो लाइकली टू बहुत कॉमन है बस यही फर्क है एप टू इतना कॉमन नहीं है तो so, टू आएगा और लाइकली टू जैसे आपको सही लग रहा था उसी तरह से यहाँ पे एप टू हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो दी हुई है तो इसीलिए यहाँ पे हो गया बिलीविंग वॉट इज नॉट ट्रू इज एप्ट टू स्पॉइल पीपल्स प्लान एंड मे इवन डैच देम तो अगर आप उस चीज़ पर विश्वास कर रहे हैं जो कि सही नहीं है तो उससे आपके प्लान बिल्कुल चौपट हो सकते हैं पूरी संभावना हो जाएगी एंड मे इवन डैश देम देयर लाइव्स एंड मे इवन कॉस्ट देम देयर लाइव्स क्रॉस्ट या स्नैच देम। मतलब लोगों को इससे अपने कीमत उसकी ये भी चुकानी पड़ सकती है कि वो जिंदगी चली जाए तो लाइफ से कीमत चुकानी पड़ सकती है भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है ये वो चीज़ हो गई तो अब क्या होना चाहिए कॉस्ट लग रहा है किसी चीज की कीमत चुकाना उससे दो सोचिए तो कॉस्ट होता है किसी चीज की कीमत के लिए तो आंसर हो गया इसका कॉस्ट तो एंड में इवन कॉस्ट देम देर लाइफ मतलब है कि लाइफ ही उनकी चली जाएगी जान जा सकती है टेलिंग वॉट इज नॉट ट्रू मे डैश लीगल एंड सोशल पेनल्टीज अगर आप ऐसी कोई चीज बता रहे हैं जो सच नहीं है तो उसमें लीगल सजा भी मिल सकती है ये कानून की तरफ से या फिर समाज सजा दे, दोनों हो सकता है मे लीड मे लीड टू लेड या लेट टू लीड टू अच्छा देखिए मे के साथ क्या आएगा मे के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो कौन सा ऑप्शन नहीं होगा लीड का पास्ट टेंस लेड होता है हमें तो फर्स्ट फॉर्म लानी थी तो पास्ट टेंस वाला ना लाए मे गो मे प्ले ऐसे कहेंगे और लीड के साथ क्या आता है किस कोई किसी चीज का कुछ रिजल्ट होगा तो लीड टू जैसे के हैं कि दीज क्लासेस विल लीड टू सक्सेस वहां तक ले जाएंगी तो लीड के साथ टू आ गया तो भी आंसर सही है ठीक स्का बिल्कुल टाइम हो गया बस ये लास्ट ही क्वेश्चन था तो ये आखिरी सवाल था आपके कितने करेक्ट हुए कुछ गिने और ये आप सेशन को लाइक कर दीजिएगा शेयर कर दें अगला हम लोग मिलेंगे इस क्लास के लिए जो वो वो कैब का एक बजे होता है इसमें हम लोग कंप्लीट वो कैब करते हैं प्रैक्टिस में तो सभी कुछ कर रहे हैं थैंक यू थैंक यू आर, दो गलत हैं इसमें चार रॉन्ग हो गए अरे शुभी इसमें आपके चार गलत हुए देखिए ये वाले इसमें अगर आपके गलत भी हो रहे हैं लेकिन आप ही देखिए जो एक्सप्लेन किया उससे आपने ये कुछ नया सीखा या कुछ आपको जो चीज पता थी कन्फ्यूजन था वो कुछ आपका अलग हुआ या आपने ये सीखा कि किस तरह हमें अप्रोच करना है सवाल को बहुत सारी चीजें आपको पता हैं लेकिन आप उसको सही तरह से अप्लाई नहीं कर पाते वो सब हम लोगों को देखना है और ये थैंक यू वेरी मच अब आपको ये थोड़ी सी जानकारी ये भी दे दे कि आ, एक तो ये बुक आई है अगर आप बिहार पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इस बुक को आप ज़रूर पढ़ें और ये अभी नई लॉन्च हुई इसके सारे फ़ीचर्स यहाँ पे दिए हुए हैं क्योंकि इससे आपकी कंप्लीट तैयारी पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है और ये क्लासेस की टाइमिंग्स देख लीजिए पी के लिए और क्विजेस के लिए इंग्लिश बाय शीना जैदी ये टेलीग्राम ग्रुप है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा प्रैक्टिस अच्छा बहुत ही अच्छे थैंक यू आर शुभी थैंक यू ब्यूटी खुश रहिए वरुण पॉपुलर अमंग पॉपुलर विद विथ करी थैंक यू अर्चना गब्बर यजनेश्वर गब्बर अब आपका एंड साथ ही भी हुआ वैसे क्लास पीछे चल रहा था तो एक बजे अब हम लोग वो कैदरी के लिए मिलने वाले हैं और रात के आठ बजे ऐसी मिक्स प्रैक्टिस चलेगी तो ये काम आपको करना है ये काम करके जाए और रिविजन के लिए और पी डी एफ मतलब रिविजन के लिए जो आपको पी डी एफ से पढ़ना हो वो कल आपको मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच थैंक यू वरुण गुड नाइट श्रीकांत तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बजे दूसरे क्लास के लिए आप रेडी हो जाइए थैंक यू बाय बाय गुड नाइट